था सुबह इवन वो सबसे बेहतरीन पाल वो कूल डाउन वाला था, क्योंकि अच्छा उसमें आपने वो कूल डाउन के तरीका सिखाया तो उससे बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई। अच्छा और इवन मैं भी ये समझता हूँ कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, एहसान के लिए और वेस के लिए स्पेशली। अच्छा अवैस, आज आपने एक्सरसाइज की, आप कैसा फील कर रहे हो? गुड। अच्छा तो आपने बड़े चौके चौके भी चौके छक्के भी मारे, हम देख रहे थे, फुटबॉल को भी लाते मार रहे थे। सर ये शुरुआत में जब लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना, ट्रेनिंग जब शुरू हाँ, करते हैं, तो जो दर्द होता है, जो पेन होता है उनकी बॉडी में, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप बहुत अरसे से कर नहीं रहे होते हो, जिस तरह क्या नाम है अभी आपने शुरू की है, तो आपको दर्द ये रहेगा मुख्तलिफ। इसको पेन नहीं कहते, इसको स्टिफनेस कहते हैं। अच्छा स्टिफनेस हाँ, कहते इसको हैं। स्टिफनेस, ये बॉडी में स्टिफनेस होती है, जब आप रेगुलर करोगे ये फिर खत्म हो जाएगी, इसका कोई इतना बड़ा अच्छा इशू नहीं इवन है। आज हम बैठे थे, किताब पढ़ रहे थे ना, तो अच्छा मैंने इनको किताब दी थी पढ़ने के लिए, तो मुझे कहता है मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, और एहसान कह रहा था कि हमारे इधर इस जगह पर ज़्यादा दर्द हो रहा है, अच्छा तो उसके हवाले से ये ख़त्म कैसे होगा? ये ख़त्म, बस ये जिस तरह आपने स्टार्ट अभी शुरू किया, आई थिंक आपको 3 दिन हो गए हैं ना, 3 4 एग्जैक्टली हैं, 3 दिन हो गए। तो आप जब आपके 10 से 8 डेज हो जाएंगे आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आज मेरे ख्याल में आप काफ़ी बेटर फील कर रहे होंगे उससे एग्जैक्टली दर्द, एग्जैक्टली पहले दिन दर्द ज़्यादा था, हालांकि आज करने ज़्यादा होना चाहिए था, आज कम करने से क्यों हो ज़्यादा गया? होना चाहिए। तो ठीक आपकी बात है, बॉडी डेवलप हो रही है ना इस चीज़ पर, ठीक। आहिस्ता आहिस्ता आपके कट भी बनने लग जाएंगे, आपके कॉप्स भी बनने लग जाएंगे, आप डिफरेंट एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करें तो कूल डाउन ज़रूरी करना है कि नहीं, बस एक्सरसाइज ख़त्म करके बहुत ऐसे ही ज़्यादा नहीं ज़रूरी चाहिए? है कूल डाउन, जब आप करोगे आप रिलैक्स फील करोगे। कूल डाउन के देखो मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं, आप स्ट्रेचिंग करते हो, आप मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो आप साथ साथ आप कर रहे हो उनमें से, आप कोई भी कर सकते हो। आपके थाइस के लिए मुख्तलिफ हैं, शोल्डर्स के लिए किस तरह कूल करना है अपने आप को, कूल डाउन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर कूल डाउन हम ना करें ये हमें नुकसान दे सकते तो आपको स्टिफनेस ज़्यादा होगी, आपको दर्द, आपको इंजरीज आ जाएंगी। अच्छा आपको मुख्तलिफ ग्रोइंग इंजरी आ गई, शोल्डर इंजरी आ गई। ये क्रिकेट, क्योंकि आप क्रिकेट भी हमें पढ़ाते हो, अच्छा क्रिकेटर कैसे बन सकता है? अच्छा एग्जैक्टली। क्रिकेटर और देखो उसकी एक अच्छे क्रिकेट के, अच्छे क्रिकेटर की स्किल्स क्या होती है, उसकी क्वालिटीज क्या होती है? बड़ा इस पे बड़ा गहरा सवाल किया, क्रिकेटर अच्छा कैसे बन सकता है? मेरे ख्याल आपने क्रिकेटर बनना है, बनना है क्रिकेटर, शौक है, शौक है, शौक है। खेल खेल सकते हो, छक्के मारते हो? छक्के तो मारता है, देखो बहुत प्यारे छक्के मैं मारता आपका जो है। सवाल है तीन वो बॉल इसने घुमा दिए हमारे। मैं आपका जो सवाल है मैं हम आपको बताऊंगा। देखो सबसे ज़रूरी जो है एक क्रिकेटर में, उसमें 60% टैलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 60% 60% 40% जो नीचे रह तो जाता पता है, कैसे चलेगा? तो ये उसकी बॉलिंग उसकी बॉलिंग देख के वो जिसे अब हम मैं तो अगर किसी के अंदर टैलेंट है लेकिन उसको पता नहीं है कि मैंने किस तरीके से बॉल डालनी है, या जो लाइनअप की बात करते हो आप, या जो बैट्समैन की पोजीशन होती है, तो उसके हवाले से उसको इल्म नहीं, लेकिन टैलेंट है पूरा। वो एहसान डिस्कस करेंगे। मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है उसको पता है, मतलब लग जाता है। अब हम जैसे बॉलिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल कोच होता है वो, मतलब जब हम दूर से आते हैं ना, प्रोफेशनल जो क्रिकेटर होता है वो जब चलता है ना, तो कोचेज जो होते हैं वो उसके चलने से देखते हैं कि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है या नहीं। एग्जैक्ट, कोचेस को इतना इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो जब बंदा चल रहा होता है ना, उसको देख के वो समझ जाते हैं ये कितना पानी में, बस कितना ऊपर है, कितना प्रोफेशनल। ये तो बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अच्छा टैलेंट, आप एकेडमी में जाए तो कैसे बना जाए प्रोफेशनल? प्रोफेशनल अगर टैलेंट नहीं है आपके अंदर लेकिन फिर भी शौक है, बनना चाहते हैं। अभी तो क्रिकेट वो पुरानी जो क्रिकेट थी, अभी तो वो दौर नहीं, अभी मॉडर्न क्रिकेट है। इसके लिए आप में टैलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में टैलेंट है ही नहीं है तो भाई आपने फिर टाइम ज़ाया करना है, आप फिर ना खेलो, आप किसी अपनी स्टडी करो, किसी और फील्ड पे इंटरेस्ट करो। टैलेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टैलेंट आपका किसी तरीके से भी हो सकता है, बैटिंग में हो सकता है। फिटनेस के हवाले से आप क्या कहते हो? मतलब अवैस, मैं, हम सब कितने टाइम में हम जो है वो कर सकते हैं? इंशाल्लाह आप नॉर्मल जो जैसे कहते हैं ना बंदा फिट, आप स्टेमिना जो बिल्डअप होगा इंशाल्लाह हम इसमें 1 से 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर आप स्टेमिना कैसे बिल्ड करें, क्योंकि जब हम रनिंग कर रहे हैं ना सुबह के टाइम पे, तो उसमें जो है थक जाते हैं, पैर भी दुखने लगते हैं, वो तो दिल वो सांस पूरा नहीं ले पाता, सांस जब हम लेते हैं तो आधी दरमियान में कट जाती है सांस, तो इसके लिए स्टेमिना कैसे बिल्ड करें? इसके लिए अभी हमने स्टार्ट किया है। हाँ ऐसा ऐसा इसके लिए ये आपने पहले अपने ये टारगेट रखने, सुबह उठ के आपने इतने राउंड 3 लगाने, अगर आप थक भी जाते हैं तो आप तो हिम्मत नहीं हारोगे, जब तक हिम्मत नहीं हारोगे आपने कैन यू डू इट, मतलब स्टैमिना को बिल्ड करने के लिए वॉक करना पड़ता है, नहीं एक्सरसाइज, आपने टारगेट रखना 3 राउंड, आप 2 पे थक जाते हो तो आपने अपने आप को जोर लगाना है कि यार मैंने 3 पूरे करने, 3 पूरे इस तरह आपका स्टैमिना बहुत आगे होता है। एग्जैक्टली आंसर ठीक है, वेरी गुड। लाइक क्रिकेट 1.5 राउंड वी वॉक एंड 1.5 राउंड वी रन। इट्स इट्स योर डिपेंड। देखो आप रनिंग कितनी कर सकते हो, अभी हमने 5 मिनट आई रनिंग की, गुड
अभी हम इसको छः आस्ते आस्ते ऊपर बढ़ाते जाएंगे ना। ये तो रनिंग करता है बीच में रुक जाता है। तो नहीं अभी ये नहीं रुके, हम आगे भागते रहते हैं, ये पीछे से आराम से चल रहा है। अच्छा टैलेंटर कैसे बन सकते हैं? टैलेंटर या क्रिकेटर या टैलेंटर, एक तो टैलेंटर वो होता है ना जो एंड में आके बैट्समैन नहीं होते, जिस तरह उमर गुल हो गया फास्ट बॉलर जिसे कहते हैं, जो आगे छक्का मारो ठीक है, नहीं तो उसे टैलेंटर कहते हैं। आप जो कहते हो एक होता है टैलेंटेड एक होता है क्रिकेटर, आप तीनों में से आप चूज करो कौन सा बता रहा है आपको? टैलेंटर टैलेंटेड नहीं, आप क्या बताना चाह रहे हो उर्दू में बताओ। टैलेंटेड बोलना है ना, टैलेंट वो तो अल्लाह की तरफ से होता है ना, टैलेंट वो तो गॉड गिफ्टेड होता है। अभी आपके अंदर भी एक टैलेंट है जिसे आपको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसको ढूंढो, उसको निकालो, उसमें अपना इंटरेस्ट बिल्ड करो। एहसान माशाल्लाह देखो इतनी कम उम्र में कितनी अच्छी क्रिकेट खेलता है, इफ्ताबाद का फास्टेस्ट बॉलर है। तो जब आप अपने टैलेंट को ढूंढोगे इसी उम्र में ढूंढोगे तो इंशाल्लाह आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। और अवैस सुने तुम्हें बॉल भी लगा है? हम फुटबॉल खेले थे ना, तो उसने कहा मैंने उसके गोलकीपर के लिए खेला होना है, तो हम पेनल्टी किक वाला गेम खेल लेते हैं, तो जैसे ही शॉट मारा है तो डायरेक्ट इसके मुंह पे आके लगा। इतना सख्त फुटबॉल लगता है कभी? नहीं, पहली बार लगा है। बड़ा सख्त लगता है इसको। अच्छा। तो सुबह का क्या प्लानिंग है, करनी है ट्रेनिंग? जी मैं तो बस अभी से मेरा इरादा है मैं 3 राउंड रनिंग करूँ। अभी तीन राउंड इंशाल्लाह मंडे से हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके। मंडे से हम एक डिजाइन कर रहे हैं अपना प्लान मंडे से, ठीक है। उसमें हर रोज फिर एक ट्रेनिंग नहीं होगी, उसमें हम एजिलिटी ट्रेनिंग करेंगे, उसमें फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, उसमें फिर शटल्स, ये सब चीजें सबसे ज्यादा अच्छा, ठीक है। एजिलिटी जो सबसे ज्यादा रनिंग भी हुई आपको इस टाइम जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो एजिलिटी ट्रेनिंग है। वो कैसा होता है एजिलिटी? मतलब आप क्विक रहते हो बस, मतलब तेज भागना है, तेज नहीं। देखो अभी आप एकदम आगे जाते हो ना, आपको रिवर्स कम ऑन यस गो, पीछे एकदम पीछे क्विक होता है, मतलब अमली जिंदगी में आपकी क्विकनेस आ जाती है इस ट्रेनिंग से। अमली जिंदगी मतलब मैं आगे जा रहा हूं, आप बोलते हो पीछे, तो डायरेक्ट पीछे की तरफ मूव करना है। ये एक्सरसाइज करने का फायदा क्या पता है? सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है ये, सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है ये ट्रेनिंग हमने की थी कभी, ये क्रिकेट की हद तक नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा काम आता है क्योंकि आपका दिमाग ये क्विक हो जाता है। स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है हमारे लिए और एक्सरसाइज? स्पोर्ट्स इसलिए जरूरी है कि हम एक मतलब फिट रहना चाहते हैं। अगर आपने आजकल लोगों को देखा होगा तो फिटनेस क्यों जरूरी है जिंदगी में? इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान को फिट रहना पड़ता है। आजकल जितने क्रिकेटर हैं जितने अदरवाइज जो लोग हैं वो ट्रेनिंग इसलिए कहते हैं कि अपने आप को मजबूत बनाए, बोन्स मजबूत हो, उनकी बॉडी मजबूत हो, इसलिए ताकि छक्का आसानी से लगे। छक्का नहीं, मतलब आप कह रहे हैं ना कि फिटनेस क्यों जरूरी है? फिटनेस इसलिए जरूरी है कि मतलब आप क्रिकेटर ना हो चाहे जिस फील्ड में भी हो, फिटनेस करना सबसे लाजमी। एक सवाल है मेरे दिमाग में बहुत वक्त से, हाँ पूछ सकते हैं आप। मैं अक्सर कभी कभार मैचेस लगते हैं ना तो टीचर्स वो बच्चे सारे बैठे होते हैं, तो मैं ऐसे ही जाता हूँ चेक करता हूँ, सब क्रिकेट के लिए बैठे होते हैं, तो उसमें नीचे इनिंग्स लिखा होता है, उसका मतलब क्या है? इनिंग्स उसके हवाले से मुझे किसी ने आज तक नहीं समझा। हाँ मैं बताता हूँ, देखो अभी आप लोग आज एग्जांपल बड़ी अच्छी एग्जांपल ला गई आपने, बात ही इतनी अच्छी ला दी, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। उस दिन आप लोग मेरे हमाद ने 71 रन किए थे ना इधर, आपने 71 बॉल पे नाइस स्पिन। अच्छा आपने कितने किए थे? 71 किए थे ना, तो सर ने कहा नहीं जी अभी आपने टीवी देखना, आप चले गए, वो एक इनिंग आपकी होगी ब्रेक, एक इनिंग खत्म। अब दूसरी इनिंग कब शुरू होनी है? दूसरी इनिंग फिर इन्होंने बैटिंग की थी, ये आउट हो गया था, ये इसलिए तो आउट हो गया, इसने बॉल घुमा दी। तो ये इनिंग एक वो होती है कि मैच का हाफ जो होता है ना, हाफ एक बैटिंग जिसे कहते हैं, एक टीम बैटिंग करती है उसे इनिंग कहते हैं। एक इनिंग हो गई, दूसरी टीम बैटिंग के लिए आती है तो ये दूसरी इनिंग, मतलब एक मैच के अंदर दो इनिंग। और अगर मैच टाइड हो जाता है फिर वही इनिंग जो होती है, फिर क्या नहीं फिर दोबारा, फिर वही, फिर उसे इनिंग्स नहीं कहते, फिर उसे हम सुपर ओवर कहते हैं, सुपर ओवर, फिर उसे हम इनिंग्स नहीं कहते। उस वैस भाई आप कह रहे थे ना अभी मतलब रात को मतलब रनिंग करने, तो रात को हमें इतना फायदा नहीं है मतलब रनिंग करने से क्योंकि सुबह ये उधर अंदर रूम में भी बैठ के पुशअप लगा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अगर आप अगर कर सकते हो ना पुशअप्स, आपके लिए गुड है, आपके लिए इतना मसला नहीं, आप पुशअप्स कर लो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, खाली पेट पे एक्सरसाइज अच्छी होती है? खाली पेट भी तो एक्सरसाइज करते हैं मेरे भाई, खाली पेट भी जितना करोगे ना उतना फिट रहोगे आप। भूख लगी हम जब नहीं, अच्छी बात है नहीं, खाली पेट। अभी मैंने एक डिजाइन दिया ना एक प्रोग्राम जो इंटरनेशनल, अभी मैं कराने जो आपको जा रहा हूँ ये इंटरनेशनल लेवल फिटनेस है, अगर ये आप लोगों ने कर ली तो आप कहीं भी दुनिया में जाओ आप मार नहीं खाओगे फिटनेस के लिहाज से, अगर आपने दिल से की।
ठीक है, दो हफ्ते बाद मत एग्जाम, हम 15 दिन बाद आपका टेस्ट लेंगे, फिटनेस टेस्ट, हम प्रॉपर उस पर आपके नाम हर दो हफ्ते बाद, हर दो हफ्ते उस पर आपका नाम लिखेंगे, उसके आपके पॉइंट लिखेंगे। उस टेस्ट को कहते हैं बीप टेस्ट, इज ए इंटरनेशनल टेस्ट, ये हर एथलीट करता है। अच्छा ये टेस्ट ठीक है, बीप हम आपका बीप टेस्ट लेंगे, उसमें से फिर वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम वो टाइमर लगा होता है उस पर बीप टेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर आपके पॉइंट लिखेंगे कि यार अहमद की ये फिटनेस है, एहसान की है, अवैस की है, सुदेश की ये फिटनेस आ रही है, ठीक है। फिर हम वही दो हफ्ते बाद वही चीज़ फिर अगले दो हफ्ते बाद करेंगे, फिर हम देखेंगे आप में कितनी चेंजेस आई है। वो चेंजेस किस तरह आएगी, हम जो दो हफ्ते के बीच में जो दिन है उनमें जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करेंगे वो उसके ऊपर बिल्डअप करती जाएंगी। अगर आप बीप टेस्ट में 16 पॉइंट कर जाते हो इस एज में, तो आप कम अज़ कम 1 घंटा रनिंग कर सकते हो, 1 घंटा रनिंग, ठीक है ना, करते हैं हम खुद, मैंने खुद 1-1 घंटा रनिंग की हुई है, कुछ भी नहीं है, 1-1 घंटा। मैं एहसान की बात सुनाता हूँ, एबटाबाद स्टेडियम है, आप इंशाल्लाह जाओगे आप देखोगे, एबटाबाद स्टेडियम किसने 10 राउंड लगाया है, आई थिंक 2 साल पहले की बात है, कैंप लगा हुआ था और इसने पूरे 10 राउंड लगाए। अच्छा मैं दूसरी आपको एक चीज़ बताऊँ, पता है बच्चों के लिए स्टेमिना बिल्डअप करना बहुत ईजी है, वो इसलिए ईजी है बच्चे थकते नहीं हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं था ना अभी तक इस खेल में, इस फिटनेस में, जब आपको इसमें मतलब आप इस फिटनेस को आप खेल समझ के खेलो, जिस तरह आप फुटबॉल इंजॉय करते हो, जैसे आप क्रिकेट इंजॉय करो, इसी तरह फिटनेस को भी आप इंजॉय करोगे ना तो आपका दिल और अच्छा होगा, यार ये तो हमें करना है, ठीक है ना, जब आखिर में सब कुछ करके जब आप कूल डाउन करते हो ऐसा फिर रिलैक्स करते हो कि बंदा कहता है बस यार किया ही नहीं है कुछ, करेंगे हम मुख्तलिफ चीज़ें इसमें सब कुछ करेंगे, चुप क्यों हो, बोलो कुछ, वो हमारी कॉन्वर्सेशन को बड़े गौर से सुन रहा है, कुछ कोई क्वेश्चन कोई आपने पिक किया होगा, कोई क्वेश्चन ही पूछ लो। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, मतलब एक जो बॉलर होता है उसके लिए मतलब कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिससे वो अपनी लाइन लेंथ भी अच्छी कर सकता है, रिदम, सामने वाले को आउट कैसे करें, वो तो मैं इसके क्वेश्चन पे आगे फिर आपके क्वेश्चन, मतलब बंदा बॉलिंग करता है, मतलब बॉलिंग उसका रन अप, उसका बॉलना है, उसकी लाइन को बैट्समैन को देखना, तो इसके लिए कौन सी अहम स्किल्स हैं जो हम किस लिए, गुड लेंथ के लिए, गुड लेंथ और रन अप के लिए। अच्छा अब बड़ा अच्छा बड़ा प्रोफेशनल क्वेश्चन इसने पूछा, जो है ना ये अमूमन बड़े क्रिकेटर पूछते हैं, ये अच्छे लेवल के कोचिंग, ये बड़ा मुश्किल सवाल भी है, मैं इसको आपको इस तरह एक्सप्लेन करूँगा। देखो रनअप जो होता है ना वो आप एक तरीके से परफेक्ट कर सकते हो, आपसे ट्रेंड आपकी जितनी अच्छी है रनअप आपका उतना अच्छा होगा। दूसरी बात है रनअप में आपने स्मूथ रहना है हमेशा, अब आप भागते हो तो आप यूं नहीं, सबसे चीज़ें आपको स्टिल रहोगे, स्मूथ रहोगे, जिस तरह आप देख सकते हो ब्रेटली हसन अली बड़ा स्मूथ भागता है, अब तो ऑलरेडी आपका तो रनअप है ही स्मूथ, आप मतलब जनरल आपने सवाल किया आपका रनअप है ही स्मूथ। दूसरी जो बात है गुड लेंथ, ये तो सिंपल एक चीज़ है, देखो मैं आपको जो एग्ज़ाम्पल अभी देने जा रहा हूँ ना वो क्रिकेट से हटकर प्रैक्टिकल लाइफ पे भी ये एग्जाम्पल बड़ी यूटिलाइज होगी अगर आप सोचो तो। अल्लाह पाक ने हमें 2 आंखें दी हुई हैं ना, अगर इस 2 आंखों से मैं पीछे देख रहा हूँ मुझे हमाद भाई भी नज़र आ रहा है, उसके पीछे घर भी नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे दरख्त भी मुझे नज़र आ रहे हैं, सब चीज़ें नज़र आ रही है ना। अब मैं आ जाता हूँ क्रिकेट पर, अगर यही फोकस जो है हम एक जगह पर कर दें तो क्या वो बॉल उधर नहीं लग सकता, क्या वो निशाना उधर हिट नहीं हो सकता, हो सके फोकस बॉल पे, जब आपका ये फोकस करोगे ना तो उधर बॉल लगेगा। ये तो हो गई एक, मैंने प्रैक्टिकल आपको बता दिया कि ये आप, दूसरी जो चीज़ इसको परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप कौन स्पॉट रखेंगे, मुख्तलिफ जिसे हम क्रिकेट की ज़बान में कौन कहते हैं, उस कौन को रख के आपने उसको टारगेट बॉलिंग करना है, कम अज़ कम आप 6 ओवर कर सकते हो, उसमें से 15 से 18 भी हिट हो जाती हैं तो दिस इज़ वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ है, ठीक वो इतना मुश्किल नहीं है, उसको हम सेट कर लेंगे। मेरे ख्याल से क्रिकेट एक आर्ट एक फन है, इसमें बंदा इंटरेस्ट कर सकता है। हाँ मैं इसका जवाब दे दूँ फिर आपके पास, मतलब क्रिकेट एक आर्ट है एक फन है, इसमें बंदा मतलब सीखता है, तो इस तरह हम अगर स्टेडियम में खेलते हुए सीख सकते हैं, तो इस तरह हम क्रिकेट में भी अगर हम जिस जो हमारा स्किल्स होता है, मिसाल के तौर पर अभी हमने ड्राइव मारी इस बॉल को, हम उस बॉल को देख सकते हैं, हम ड्राइव भी मार सकते हैं, क्रिकेट मतलब एक आर्ट है, फन है। हाँ ये बता रहा था मुझे क्वेश्चन नहीं किया, आप बताओ आप क्या क्वेश्चन। एक्सरसाइज की क्या स्किल्स होती है? एक्सरसाइज कोई स्किल नहीं है, एक्सरसाइज की स्किल है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, हिम्मत नहीं हारोगे ये तुम्हारी स्किल्स है, तुम करते जाओ बिल्डअप होते जाओगे, तुम्हारी तो माशाल्लाह टांगे भी लंबी है, तुम तो सही फिट बन जाओगे। इसके लिए रनिंग बहुत ईजी है, बारे में हाँ अगर हम एक हफ्ता एक्सरसाइज करें और 2 हफ्ते ना करें हाँ तो ये तो एक्सरसाइज का आपको दर्द नहीं होगा, फिर करने का फायदा क्या है मेरे भाई, साथ में आपको पेन भी होगा, हर पूरे जिस्म में दर्द होगा। अगर आपने अब सरामिर है उन्होंने कि ये आज सरामिर से आप पूछ सकते हो, कह रहे हैं आई एम फीलिंग वेरी गुड फ्रॉम, उनका जो पेट है ना सुबह मैं देख रहा था उनका, आज दूसरा दिन है पेट खींच गया उनका, यूं पहले यूं था लटका अब खींच गया उनका पेट,
ये चीज़ होती है, आप दो महीने करो ये जो आपका पेट है ये सिक्स पैक में चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़े बड़े लोगों ने, ये तो आपको कोई वजन ही नहीं है की बात की, आप ये बड़ी खुशी से करेंगे नहीं इसका तो कोई वजन हमाद भाई इसका तो कोई वजन ही नहीं है 95 नहीं, लोगों ने 150-150 से कम करके ऐसे स्लिम और ऐसे फिट बने कि सिर्फ क्या उनमें जज्बा था, उनमें जुनून था। 13 साल में 95 kg, जब आप में जुनून और जज्बा होगा ना तो यार दुनिया की क्या चीज़ है। आप 95 से डायरेक्ट नीचे आ सकते हैं, आपके सामने बैठा है हमाद साफी इस टाइम 30-40 तक आ सकते हैं। अच्छा मैं दूसरी आपको एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ, आप जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं ना लोग इनसे मिलने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, तो आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। अच्छा आप लोग जितना, मैं तो यही कह सकता हूँ आप सोने के टाइम भी इससे सीखें, जिधर बैठे हैं कुछ, मैं आज एहसान को यही कह रहा था, मैंने कहा यार आपके पास ऐसा मौका है आप जाते हो, ठीक बात है, कुछ पिन दे दो यार मुझे, हमारे लिए कोई बुलेट्स लिख दो, हाँ मैं ये चीज़ करूँ। आपके साथ ये बंदा बैठा है, आप दुनिया इसको देखती है, दुनिया फॉलो करती है, सिर्फ इस टाइम ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया फॉलो करती है, बड़ी हमाद भाई के नाम पर बड़ी किताबें लोगों ने लिखी हैं, इसलिए आपको, आप बड़े खुशकिस्मत लोग हो, मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप क्रिकेट के अलावा आप नॉलेज में अपना नॉलेज बिल्डअप कर सकते हो, कोई बीस के फिटनेस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा हमें, जब तक ये फिट नहीं करें। मैं अक्सर कभी कहता रहता हूँ अपनी स्पीच, आपने भी बात की, फिट रहोगे आप तो आपके दिमाग फिट होगा, आपका दिमाग फिट होगा आप हर एक चीज़ को, आपकी ऑब्जर्वेटरी स्किल जो है वो खुद बहुत एक्टिव हो जाएगी, आप इर्द गिर्द हर एक चीज़ को नोटिस करके उसको खुद पिक करना शुरू करेंगे। आप इससे बात कर रहे हो पीछे कोई काम चल रहा है, आपका फोकस इस पर है लेकिन फिर भी आप कहाँ की उस चीज़ को देख रहे हो, उस चीज़ को नोट करके उसकी पिक्चर अपने अपने कॉन्शियस में जो है अपने सबकॉन्शियस में सेव कर रही है, आप इसको भी देख रहे हो एक वक्त और पीछे वो बंदा जो काम कर रहा है आप उसके स्किल को भी अचीव कर रहे हो। फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर इरादा कर लिया पीछे तो नहीं रहोगे ना, एक स्टेप में मैं खड़ा हूँ, दूसरे स्टेप पे एहसान को खड़ा करो, तीसरे में आप खड़े हो और इसको भगाएंगे मिलकर। नहीं इसको तो मैं दूसरा दिन वो अपने मैं रेक्स को ये ड्यूटी देता हूँ। अच्छा रेक्स भागेंगे इसके पीछे और ये रेक्स से आगे आगे भागता रहेगा। और आप कैसा फील कर रहे हैं, मतलब 3 दिन फिटनेस करने मेरा भी यहाँ पे वो सर जी की बस स्टिफनेस हो रही है, इस हाथ पे भी, इस हाथ पे भी, पैरों में भी और नीचे इन जगहों पर भी हो रहा है और ये रेस्ट में भी हो रहा है। अगर 2-3 हफ्ते हम मुसलसल ये एक्सरसाइज करें ना ठीक हो जाएगा, तो फिर मजा भी होगा, फन भी होगा। जब भी डस्ट की बारी आएगी ना उस वक्त हर एक बंदा फिट हो चुका होगा, आदि हो चुका होगा इसके साथ, लेकिन फिर ये इस एक्सरसाइज को कभी छोड़ना नहीं है। आप तो कहते हैं ना दुनिया वो बस लेकिन लेकिन एक दफा आपने शुरू की नहीं इसको छोड़ना नहीं, आपने छोड़ दिया। सर मर की बात जंजीर टूट गई, फिर उस जंजीर को दोबारा मिलाना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट वीक को मैं आपको, आज मैंने वो बना लिया है उसका डिज़ाइन, नेक्स्ट वीक को मैं आपको एक एक कापी सबको दे दूंगा। ठीक है कि हमारी रोज़ ये प्रैक्टिस है 7 दिन, ठीक है, जिनमें से 6 दिन हम करेंगे, संडे ऑफ है उसमें से, ठीक है, उसमें से फिर जब एक हफ्ता आप कर लोगे ना नेक्स्ट हफ्ते में आपको पता होगा हमने क्या एक्सरसाइज, आप खुद बहुत ट्रेन हो जाओगे, मैं सिर्फ बस आवाज़ मारूंगा आप खुद बहुत ट्रेनिंग पर लग जाओ। जब 2 हफ्ते बाद जब बीप टेस्ट की बारी आएगी ना इतना इंजॉय आप करोगे उस बीप टेस्ट में कि आप सब एक लाइन में होगे, भागोगे। अगर इस वक्त में हम सब के लिए स्पेसिफिकली इसके लिए मेरे लिए और इसके लिए पुशअप्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा, उसको कैसे हम उस टारगेट पे कैसे फोकस, उसके लिए देखो मैंने पूरा वो नीचे नहीं जा पाता। देखो अभी हम इधर बैठे हुए वरना मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता, सुबह हमने जो घुटने नीचे रख के आपको वो स्किल है, जब मैंने अंदर ट्राई किया वो बहुत अच्छा हुआ अंदर, जब आप उस पे डेवलप हो जाओगे ना तो ऑलरेडी फिर आप उधर आ जाओगे, लेकिन फिर जब पैर हम पीछे करते तो वो जोर जाता है और फिर हम जब नीचे चलते तो ये जगह पे दर्द करती है, उससे बंदा गिर जाता ही नहीं, वीक वीकनेस वीकनेस ये करने से सेट हो जाता है। आप बहुत टाइम की बात करते हैं, मैं भी तकरीबन 2 या 3 महीने हो गए थे अब्दाबाद में, मतलब स्टडी पे फोकस करता था स्टडी में, इसलिए आज भी मैंने 3 दिन हो गए शुरू की, मेरा भी दर्द है पूरी जिंदगी करना पड़ेगा हर रोज फिट रहने के लिए करना पड़ेगा। वैसे तो मेरा प्रोफेशन भी क्रिकेट है ना तो उसके लिए बीप टेस्ट में इंशाल्लाह आप सबको मजा आएगा। हम इधर एक साउंड सिस्टम लगा देंगे उसमें बीप टेस्ट की बीप बजेगी, बीप टेस्ट की बीप बजेगी, उसके बाद फिर हम आपको मुख्तलिफ इंजॉय कराएंगे, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, फिर आप सब में जज्बा क्रिएट होगा, फिर देखना आप किधर भागते हो। और लगा दिया तो सब लोग चलो मैं वैसे मैं आपको बीप टेस्ट थोड़ा डेमो करके दिखाता हूँ। हमद भाई मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे कि आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और
आपका क्या ख्याल है, आप एक मतलब टीम में भी आप जा सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो? आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जा सकते हैं वैसे, आप मतलब टैलेंट है? नहीं, अगर कोशिश करें, इंटरेस्ट पैदा करें अपना, तो फिर तो जा सकते हैं। मुल्क के लिए वैसे भी हर प्लेटफॉर्म पे हमाद भाई ने बात की आज तक, तो ये भी बिस्मिल्लाह। क्रिकेट जाना पड़ा तो इंशाल्लाह क्रिकेट के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, मैं अभी आपको बीफ टेस्ट के बारे में जो कह रहा था ना, वो ये डेमो है, ठीक है? अब मैं आपको ये सुना देता हूँ, ठीक है? 5, 4, 3। अच्छा, मतलब इसमें काउंट डाउन होता है? बीप बज गई, मैं अभी आपको डेमो सब समझाता हूँ। ये टाइमर है, स्टॉपवॉच नहीं? इसमें क्या करना पड़ता है? मैं सब समझाता हूँ, एक दफा डेमो देख लो बस। 1, 0, 0, 9। अभी अच्छा, ये इसमें क्या करना पड़ता है? अभी मैं आपको देखो, मैंने बता दिया ना, अब जब पहली बीप बजी थी, हाँ, इस तरह हम कोने लगाएंगे यूं, मतलब स्पॉट लगाएंगे 5-6 जितने भी आप हो, 20 मीटर के स्पॉट होंगे, 20 मीटर के। जब उधर से ये 5 बीप बजेगी क्लिंग, आपने निकल जाना है। कि कितने सेकंड में हम करेंगे इसको? मैं आप सब इस चीज़ सब बताता हूँ। आपने निकल के इधर कौन पे पहुँच जाना है, कौन पे फिर आपने रुकना है, भागना वापस नहीं आना। अच्छा, आपने कौन पे, ये शिटर्स वाली चीज़ है, पर ये इसमें थोड़ी और चेंजिंग है। आपने आके इधर ये पहले 10 सेकंड, फिर इधर रेस्ट, आप 10 सेकंड खड़े हो सकते हो, फिर ये बीप बजेगी, बीप के साथ आपने निकलना है, बीप बजने से पहले पहले आपने उधर पहुंचना है। नॉर्मल जाओगे आप पहुंच जाओगे दरमियान में, बीप आप बीप बज गई तो एक वार्निंग, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग, घर चले गए, बस खत्म, बाहर निकाल देंगे टेस्ट, वो आप इजीली पहुंच जाओगे, वो इजीली ये हो गया। फिर ये फिर उधर तो बहुत ईजी है, फिर आप मैं फिर उधर आप खड़े हो गए, फिर 10 सेकंड रेस्ट है, 5, 4, जब बीप बजेगी फिर आपने आना है, फिर इधर आपने कितना, 9 सेकंड रेस्ट, ये फिर रेस्ट खत्म होता जाता है, फिर ये 1 सेकंड पे आ जाता है ये रेस्ट, फिर आप इधर जाओगे टीट, फिर उधर जाओगे टीट, फिर उधर जाओगे। इससे होती है फिटनेस के लिए, इंटरनेशनल लेवल टेस्ट। ये कितना राउंड लगाना पड़ता है? ये कम से कम देखो, ये पाकिस्तान पे जो टेस्ट पास है, जो इंटरनेशनल हमारे पाकिस्तान टीम के प्लेयर, वो 18 पॉइंट 19 पॉइंट तक जाते हैं, इससे ऊपर वो भी नहीं जा सकते। ये बड़ा, ये जो 18 राउंड लगाते हैं, मतलब 18 लेवल होते हैं, ये 9 से लेवल इसका शुरू होता है, जाके 18 पॉइंट होता है। जब आप देखो 9 होगा ना, 10 होगा, 10 में फिर आपने 10 शटल्स लगाने हैं, फिर जाके 11 होगा, फिर 11 शटल लगाने हैं, फिर 10 लगा के एक शटल, फिर आप जब 12 पॉइंट पे जाओगे ना, 12 पॉइंट पे फिर आपने 12 पॉइंट लगाने हैं, एक पॉइंट में 12 शटल्स है, फिर 13 पे जाएगा, फिर ये कम से कम 200 शटल्स बन जाते हैं कंटिन्यू। जब आप ये करके आपके लिए जो होगा ना इंशाल्लाह, आपने जो पास करना है, आपने 13 पॉइंट लाजमी करना है। और हम जो 2 हफ्ते में जो करेंगे, आप मुझे उम्मीद है, एक पॉइंट में कितने शटल्स होते हैं? एक पॉइंट में 10 से 8, मतलब 130 पॉइंट्स दफा हमने वो पहले इजी होता है। जब आप 13 पे पहुंचते हो ना, फिर मुश्किल हो, क्योंकि इधर आते हो आपको रेस्ट कम मिल जाता है, फिर आपने निकलना पड़ता है डायरेक्ट। अगर आप बीप से पहले उधर नहीं पहुंचे, कोच आपको, एक ट्रेनर आपको एक दफा वार्निंग देता है, दूसरी दफा आप इधर भी बीप से पहले ना पहुंचे, दूसरी वार्निंग होती है, तीसरी वार्निंग नहीं मिलती, तीसरी वार्निंग पे आप आउट हो जाते हैं। तो ये जो टेस्ट है, ये इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है, इसमें सिर्फ भागना पड़ता है और भी नहीं, और भी इसके बाद फिर हम जंप है, जंप को देखेंगे, कितना इसके बाद फिर वो आप जंप मार सकते हैं हम खड़े होके, उसके बाद फिर हम 90 मीटर का जो स्प्रिंट होता है, आपने कम से कम आपकी जो एज है, आपने 11 से 12 सेकंड में उसको तय करना है। हम इधर से बीप बजाएंगे, हम इधर से बीप लेंगे, आपने उधर से जिस तरह टाइगर नहीं निकलता, आपने निकल जाना है। तो 90 मीटर कुछ भी नहीं, हम इधर खड़े हो जाएंगे, आपने आके हमें टच करना है, टच आप करेंगे, हम टाइमर को स्टॉप कर देंगे उधर, हम देखेंगे कितने सेकंड में आपने तय किया। ये जो हम जितने भी करेंगे, ये इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल लेवल्स की है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी इधर फैसिलिटीज वो इंटरनेशनल लेवल की है। तो सुपर किट जो प्रोग्राम है, ये एक इंटरनेशनल लेवल की प्रोग्राम, ये पाकिस्तान में अपनी एक हैसियत रखता है, इसमें वही बच्चे आते हैं जो एक टैलेंटेड होते हैं, जो जहीन होते हैं, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर एक सुपर किट एक्सरसाइज करेंगे, हर एक सुपर किट। तो ये फिर अमली जिंदगी में भी पाकिस्तान के लिए करेंगे, जिधर भी जाएं, चाहे वो क्रिकेट में जाएं, चाहे वो जिस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जाएं, वो फिर पाकिस्तान का नाम लेंगे।